आजकल के गृहस्थियों का ना एक विषय बड़ा मजबूत, उसमें ना वो 90 नंबर ला रहे हैं। आजकल के गृहस्थी लोग बताओ एक विषय में 90 नंबर ला रहे हैं और बाकी विषयों में जीरो है। बताओ कौन सा विषय है जिसमें 90 नंबर ला रहे हैं? बोलो। जितना मैंने अनुभव किया है संसार का उतना मैं आपको समझाता हूं। आजकल के छोरा, आजकल के लोग, कुछ शादी हुई के पत्नी को लेके भाग जाते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे सोसाइटी में, दूसरे मकान पर, दूसरे घर पर शिफ्ट, और बस पत्नी के तलवे चाटते रहते हैं। मां से मतलब नहीं, पिता से मतलब नहीं, समाज से मतलब नहीं, धर्म से कोई लेना देना नहीं, बस पत्नी, हम दो हमारे दो। पत्नी से खूब प्यार है, इनको 33 नंबर तो मिलेंगे पर एक विषय पर। आजकल की पत्नियां कहती हैं, सुनो या तो अपनी मां को रखो या तो हमें रखो। तो पति बोलता है, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे जानू। एक काम करो, बुढ़िया को ही हटाओ, ये कुछ मतलब की नहीं है। तो वो अपनी जानू के साथ रहने लगता है और मां से कोई मतलब नहीं, बूढ़ी हो गई है मां, तो वृद्धाश्रम भेज देता है। ऐसा हो रहा है, जो हो रहा हम वो बता रहे हैं आपको। आप लोग में से कोई तो नहीं करता ऐसा? तो ऐसा होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात नहीं है। गृहस्थी में रहना है तो पत्नी का भी ख्याल रखो। हम ये नहीं कहते पत्नी को छोड़ दो, लेकिन पत्नी को यदि रखे हो, पत्नी की जिम्मेदारियां पूरी करना आपका धर्म है, बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करना आपका धर्म है, तो माँ की जिम्मेदारी पूरी करना फिर किसका धर्म है? पिता की जिम्मेदारियां पूरी करना फिर किसका धर्म है? फिर गृहस्थी हो ना भाई, तो गृहस्थी चारों तरफ देखना पड़ता है। इसलिए चार आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को बताया गया है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यास, इन तीनों में से सर्वश्रेष्ठ आश्रम है गृहस्थ आश्रम। लेकिन गृहस्थी जब विधिवत पूरी हो तो